टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। बीजेपी एमएलए का पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान। हैदराबाद में राजा सिंह गिरफ्तार, विरोध में लोगों ने सिर तन से जुदा करने के नारे लगाए। भाजपा नेता सोनाली फोगाट का निधन, गोवा में दिल का दौरा पड़ा। 2019 में आदमपुर से लड़ा था चुनाव, टिकटॉक स्टार भी थी। आम आदमी पार्टी का बड़ा दाव, कहा हमने बीजेपी विधायकों का ऑपरेशन लोटस किया फेल, हमारे विधायकों को दिया जा रहा 5-5 करोड़ का ऑफर। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकी मारे गए, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का बड़ा ऐलान, सरकार शहीद सैनिकों के परिजनों और परमवीर चक्र विजेताओं को देगी 1 करोड़ रुपए। अध्यक्ष पद से इनकार, भारत जोड़ने में जुटे राहुल, 7 सितंबर से यात्रा, राहुल गांधी की अगुवाई में करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग खत्म। बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सिब्बल बोले सजा कम करना गलत। भारत में टोमेटो फीवर का कहर, शरीर पर पड़ने वाले फफोलो मंकी पॉक्स जैसे 5 साल से कम उम्र के बच्चे बन रहे शिकार। मेघालय के गवर्नर मलिक का मोदी पर कमेंट, बोले पीएम का दोस्त अडानी, इसलिए लागू नहीं हो रही एमएसपी। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की बड़ी घोषणा, दुर्गा पूजा कमेटियों को 60,000 रुपए का अनुदान देगी ममता। शराब नीति पर सियासी संग्राम, बीजेपी ने पार्टी तोड़ने वाले आरोपों पर मांगे सबूत, सिसोदिया ने ऑफर मिलने का किया था दावा। जेएनयू वीसी शांति श्री धूलीपदी पंडित का बड़ा बयान, कहा सारे भगवान नीची जाति के सम्मान, नागरिक संहिता अब लागू कर देनी चाहिए। मैदान से रेगिस्तान तक आसमानी आफत, एमपी के कई जिले में बाढ़, राजस्थान के बूंदी और कोटा में कल तक सभी स्कूल बंद। अमित शाह बोले कांग्रेस शासन में एमपी सिमी का गढ़ बना, भोपाल में कहा शिवराज ने सिमी को जड़ से उखाड़ फेंका, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का किया भूमि पूजन। नेवी में 2 सितंबर को शामिल होगा नया विक्रांत, देश में बने एयरक्राफ्ट करियर पर तैनात रहेंगे MH-60R और मिग, पीएम मोदी नौसेना को सौंपेंगे। मेरठ में रिटायर्ड दरोगा की फावड़े से काटकर हत्या, 13 लाख रुपए के लेन देन में रिश्तेदार ने जान ली, कातिल बोला हां मैंने ही मर्डर किया। उन्नाव के हसनगंज में किशोरी का जंगल में पड़ा मिला शव, परिजन जता रहे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, मुंह से निकल रहा झाग। यूपी में 15 IPS के ट्रांसफर, लखनऊ नोएडा कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में DCP बदले, ट्रेनी अफसरों को मिली तैनाती। ट्रेन में हार्ट अटैक से यात्री की मौत, मुंबई से प्रयागराज आ रहा था यात्री, 7 के यात्रियों ने ट्वीट के जरिए रेलवे को दी सूचना।
गाजियाबाद में कार्रवाई के लिए भटक रहा यूपी पुलिस का जवान, घर में हुई थी लाखों की चोरी, सिपाही बोला पुलिस का न फोन रिसीव हो न कोई जवाब। वाराणसी में गंगा वार्निंग लेवल से 106 सेंटीमीटर नीचे, दो दिन में 57 सेंटीमीटर घट गया गंगा का पानी, वाराणसी में बारिश के आसार कम। अयोध्या में हाई कोर्ट के अधिवक्ता पर जानलेवा हमला, लूटपाट का मुकदमा दर्ज, प्रयागराज जाते समय ट्रेन से नीचे गिरा दिया था। डांसर सपना चौधरी की गिरफ्तारी, वारंट जारी, लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट का पेश करने का आदेश, शो में नहीं पहुंची थी, हुई एफआईआर। श्रावस्ती के गालीबाज एसडीएम की वीडियो वायरल, रिटायर्ड फौजी ने पेपर दिखाने चाहे तो भड़के, दो मिनट तक दिखा लिया। कानपुर में मॉर्निंग वॉकर्स से टैक्स वसूले जाने का विरोध शुरू, सपा और कांग्रेस सड़क पर उतर कर करेंगे प्रदर्शन। चंदौली में पुलिस पर हमला करने वाले 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज, पुलिस टीम पर किया था पथराव, दो पक्षों में हुआ था विवाद। गाजियाबाद में पढ़ाई से बचने के लिए दोस्त का मर्डर, मां बाप पढ़ाई के लिए डांटते थे, जेल जाने के लिए दोस्त का गला रेत दिया। केंद्रीय मंत्री ने राकेश टिकैत की दो कौड़ी का आदमी बताया, अजय मिश्रा ने कहा कुत्ते भौंकते रहते हैं, टिकैत का जवाब दहशत खत्म करनी है। बुलंदशहर में बिजली ठेकेदार के घर फायरिंग, घर के शीशे टूटे, एक व्यक्ति हुआ घायल, पोस्ट को लेकर हुआ था विवाद। बदायूं पहुंचे लंपी वायरस संक्रमित मिला, गौवंश बिसौली तहसील परिसर में घूम रहा था बछड़ा, डिप्टी सीवीओ ने दिया प्राथमिक इलाज। चित्रकूट डीएम ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की, डीएम ने सीएससी प्रभारी को लगाई फटकार। बदायूं के बिसौली में अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या, घर के बाहर चौपाल पर सो रहे थे, सिर और शरीर पर चोट के मिले निशान। वाराणसी के एडीजी जोन का ट्विटर अकाउंट हैक, ऑनलाइन गेम के ट्वीट रिट्वीट किए, रिस्टोर करने का किया जा रहा प्रयास। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सीएम योगी से मिले, कानपुर और गोरख क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक। जौनपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर दो बड़े हादसे, रेलवे पायलट की सूझबूझ से बचे 3 युवक, रात को मालगाड़ी की चपेट में आई बाइक। मेरठ में बेटे के सामने मां को मारी गोली, नकाब में आए 3 बदमाशों ने कहा नीलम सब ठीक ना, फिर माथे पर मार दी गोली। बदायूं में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 की मौत, युवक अपनी पत्नी और भाई के साथ मंदिर से लौट रहे थे। पीलीभीत में राज्यपाल के संभावित दौरे की तैयारियों में जुटे अधिकारी, पिकनिक पॉइंट पर साफ सफाई शुरू। ललितपुर में 13 बांधों में से 9 के गेट खोले, गोविंद सागर बांध के खोले गए 15 गेट, जिले में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश। हत्या आरोपी रिटायर फौजी किया गया गिरफ्तार, इटावा में गृह कलेश के चलते पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार।
नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो गिरफ्तार। एक बदमाश दो बार जा चुका है जेल, लूट करता था बदमाश। हमीरपुर में हिस्ट्री शीटर लापता परिजन, बोले मुठभेड़ में मारी है गोली, एहतियात के तौर पर घर के बाहर पुलिस तैनात। प्रतापगढ़ में बिजली विभाग के ऑफिस में लगी आग, 50 साल पुराने रिकॉर्ड जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने एक घंटे मशक्कत कर पाया आग पर काबू। पीलीभीत में कार के आगे 400 मीटर तक चला बाघ, कार सवार युवकों के छूटे पसीने, ग्रामीणों ने शोर मचाकर भगाया। कानपुर में गालीबाज युवती का वीडियो वायरल, पड़ोसी से बोली तुझे और तेरे पति को हैरसमेंट में फंसाती हूं, यहीं पर जिंदा गड़वाएंगे। देहरादून कोर्ट में सरेंडर कराना चाहता है यूट्यूबर बॉबी कटारिया, सड़क पर बैठकर छलकाया था जान। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, सिल्वा गांव में मलबे में जिंदा दफन महिला की हुई शनाख्त, लापता 5 लोगों की तलाश जारी। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद, किसानों के घरों के नजदीक बनाए जाएंगे केंद्र। उत्तराखंड में छात्र नेताओं ने कॉलेज का मुख्य रास्ता किया जाम, पुलिस से झड़प, प्राचार्य पर लगाए गंभीर आरोप। भोपाल दौरे पर सीएम धामी ने किया अनुरोध, मौसम का सशक्त पूर्वानुमान तंत्र स्थापित करने में सहयोग करे केंद्र। उत्तराखंड के रामपुर तिराहा कांड केस ट्रांसफर आदेश के प्रति हाईकोर्ट में तलब, यूपी सरकार और सीबीआई से मांगा जवाब। पेपर लीक मामले में 3 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में रहेगा हाकम, धामपुर और उत्तरकाशी ले जाकर पूछताछ करेगी एसटीएफ। उत्तराखंड के कुम्हार खेड़ा में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे दूसरे दिन भी रहा बंद, वैकल्पिक मार्ग से भेजे गए छोटे वाहन। उत्तराखंड में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड, भाजपा नेता का बेटा गिरफ्तार, 3 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी पुलिस। उत्तराखंड के रुड़की में बार बार कहने पर जब बच्चों ने नहीं कहा बड़े बाल तो मास्टर का चढ़ा पारा, पकड़ी चोटी और काट दी। उत्तराखंड कांग्रेस ने परीक्षा कराने वाली यूकेएसएससी की भूमिका पर हर परीक्षा में संदिग्ध कराई जांच, सीबीआई जांच। उत्तराखंड के देहरादून में वाडिया की टीम ने किया आपदाग्रस्त सरखेत क्षेत्र का दौरा, बोले भूकंपीय फॉल्ट एमबीटी में है ये क्षेत्र। उत्तराखंड के देहरादून में आपदा, भारी बारिश में क्षतिग्रस्त सोंग पुल पर 6 साल पहले ही किया था आगाह, लेकिन सोए रहे अधिकारी। उत्तराखंड के रामपुर काठगोदाम हाईवे निर्माण में अब नई बाधा, पुराने बजट से पेयजल लाइन शिफ्ट करने से इनकार। उत्तराखंड में लंपी त्वचा रोग की चपेट में 3000 से ज्यादा जानवर, 3 तरीकों से करे पशुओं का बचाव। यूएनएससी में भारत ने चीन को खूब सुनाया आतंकवाद के मुद्दे पर, पाकिस्तान को लगाई लताड़।
मस्क ने दोस्त जैक डोर्सी से मांगी मदद, ट्विटर डील तोड़ने के मामले में गवाही के लिए समन। अमेरिका के राष्ट्रपति के मुख्य चिकित्सा सलाहकार का पद छोड़ेंगे डॉक्टर फौची, कोरोना काल में बने थे ट्रंप बाइडेन की पसंद। पाकिस्तान में भारी बारिश के चलते, बाढ़ के चलते बलूचिस्तान के 40,000 घर क्षतिग्रस्त, मरने वालों की संख्या बढ़कर 225 हुई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भारत को कौशल आधारित शिक्षा की जरूरत, 3 दिवसीय दौरे पर हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सुनक का नया वीडियो आया सामने, ब्रिटिश पीएम पद के दावेदार बोले इससे छिपे रुस्तम के पास खोने के लिए कुछ नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। रूस में आईएस का आतंकी गिरफ्तार, भारत में फिदायीन हमले की साजिश रच रहा था आतंकी, सत्ताधारी दल के बड़े नेता निशाने पर थे। शांति की बात करने वाला जापान चीन को दिखाएगा अपनी असली ताकत, तैनात करेगा 1,000 क्रूज मिसाइलें। चीन में आग लगा रही गर्मी, सूख रही नदियां, बिजली की कमी से मॉल बंद, सरकार बारिश के लिए कर रही जद्दोजहद। बांग्लादेश में बिजली संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल और ऑफिस के समय में की कटौती। लॉन्च के 2 महीने के भीतर मेड इन इंडिया आईफोन, नवंबर से मिलने लगेगा भारत में बना आईफोन। सस्ती बिजली से राज्यों पर 1,00,000 करोड़ कर्ज, महाराष्ट्र पर 19,000 करोड़ बकाया, मध्य प्रदेश को चुकाने हैं 5,000 करोड़। सीमा पार से आ रहे नकली नोट, पेपर क्वालिटी भी असली नोट से काफी मिलती जुलती। रिमूवेबल डिवाइस से डेटा चोरी के मामले बढ़े, डेटा सेफ्टी के लिए खतरा बढ़ा है, यूएसबी ड्राइव्स रिपोर्ट्स में मिली चेतावनी। बोइंग 787 विमानों को गगन में छूट, मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। मार्च तक 6% के नीचे आ सकती है महंगाई, दिसंबर तक रेपो दर में 0.60% इजाफा कर सकता है आरबीआई। प्रवर्तन निदेशालय ने असम के सहकारी बैंक के पूर्व एमडी की 30 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, पीएमएलए के तहत कार्रवाई। एमएसपी पर बनी समिति ने 4 उपसमूहों का गठन किया, एसकेएम के सदस्य बैठक से रहे दूर। क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स ने किया झूठा दावा, अमेरिकी रेगुलेटर ने दिया संदेश। डोजकॉइन के बिली मार्कस ने को फाउंडर को ट्विटर पर किया ब्लॉक, मार्कस ने ऑस्ट्रेलिया के प्रोग्रामर को गलत बताया। एशिया कप से पहले द्रविड़ को कोरोना, 28 अगस्त को है भारत पाकिस्तान मैच, शास्त्री बोले पैरासिटामोल खाते ही रेडी हो जाएंगे। यूएस ओपन से हटी सानिया मिर्जा, सोशल पोस्ट में किया ऐलान, लिखा कोहनी में चोट लगी है, रिटायरमेंट प्लान में बदलाव होगा।
पहले सेंचुरी, फिर सुपर कैच, शुभमन गिल ने छीनी शतक वीर सिकंदर रजा से एक ऐतिहासिक जीत। पूर्व कप्तान इजमाम उल हक ने दी वार्निंग, कहा ये पहलू शाहीन की चोट से ज्यादा नुकसान कर सकता है पाकिस्तान का। शुभमन गिल ने सचिन का 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, रोहित शर्मा और केएल राहुल के खास क्लब में शामिल। भारत ने जिम्बाब्वे पर किया क्लीन स्वीप, तीसरे वनडे में 13 रन से दी मात पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी की। भारतीय फुटबॉल की बहाली का रास्ता खुला, सुप्रीम कोर्ट ने भंग की सीओए, एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी को सौंपा एआईएफएफ का जिम्मा। काला चश्मा में गब्बर एंड कंपनी का गजब डांस, ईशान किशन ने एक से एक स्टेप दिखाए, धवन आवेश भी खूब झूमे। प्रज्ञानानंद ने मैग्नस कॉल्सन को फिर हराया, साल में तीसरी जीत हासिल की, क्रिप्टो कप में दूसरे नंबर पर रहे। दीपक चौहान ने दिखाया बड़ा दिल, नहीं तो बिना गेंद खेले जाना पड़ता इस बल्लेबाज को पवेलियन। नाना बन घबराए हुए हैं अनिल कपूर, सोनम कपूर बोली वो खुद को ग्रैंड पेरेंट के रूप में नहीं देखते हैं। विजय देवरकोंडा ने लाइगर के बायकॉट पर किया रिएक्ट, बोले कौन रोकेगा देख लेंगे, ये डर के लिए कोई जगह नहीं। मुंबई में शुरू हुई दी कपिल शर्मा शो की शूटिंग, अक्षय कुमार होंगे नए सीजन के पहले गेस्ट, रकुल प्रीत सिंह और सरगुन मेहता साथ आएंगी नजर। बायकॉट ट्रेंड पर कॉमेडियन कपिल शर्मा का रिएक्शन, कहा अरे यार प्लीज मुझे रिट्वीट, ट्विटर की दुनिया से दूर रखो, आते जाते रहते हैं ऐसे ट्रेंड। फिल्म हड्डी का फर्स्ट लुक आया सामने, डीवा के अवतार में नजर आ रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लुक देखकर फैंस हुए शॉक। सोनम कपूर के बेटे की पहली झलक आई सामने, भांजे को देख रो पड़ी रिया, शेयर की न्यूबॉर्न बेबी की फोटो। शाहिद कपूर ने दिया कियारा सिट की शादी का हिंट, करण के शो में कहा हो सकता है कि साल के आखिर में आ जाए शादी की खबर। व्हीलचेयर पर योगा करती थी शिल्पा शेट्टी, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा पैर टूटा है पर हिम्मत नहीं। ब्रह्मास्त्र की कहानी हुई लीक, फिल्म में मोनी रॉय नहीं बल्कि आलिया भट्ट है असली विलन, यूजर्स ने किया दावा। विदेश में भी छाया पुष्पा का जादू, न्यूयॉर्क पहुंचा अल्लू अर्जुन, इंडिया डे परेड में बोले ये भारत का तिरंगा है कभी झुकेगा नहीं। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।